हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एग्जाम भी। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक। लास्ट हमने मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, उसी में आके हम कंटिन्यू करके इस सेशन में हम प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 8/5 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट प्राइस। फ्रैक्शंस की डिपेंडेंसी जिसपे होती है, डिनोमिनेटर ऑलवेज उसको डिफाइन करता है। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस डिफाइन किया जा रहा है, तो न्यूमरेटर किसको डिफाइन करेगा? सेलिंग प्राइस को। तो 8 यूनिट क्या होगा? सेलिंग प्राइस। और डिपेंडेंसी किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। 5 यूनिट इज कॉस्ट प्राइस, 5 यूनिट इज कॉस्ट प्राइस, 8 यूनिट इज सेलिंग प्राइस। तो हमारा प्रॉफिट कितना है? तो प्रॉफिट इज 3 यूनिट। सेलिंग प्राइस इज 8 यूनिट, कॉस्ट प्राइस इज 5 यूनिट, तो प्रॉफिट इज 3 यूनिट। हमें परसेंटेज प्रॉफिट बताना है। परसेंटेज प्रॉफिट इज प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है हमारा? 3 यूनिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा? 5 यूनिट इंटू में 100। 3/5 किसकी फ्रैक्शन होती है? 1/5 इज 20%, तो 3/5 इज 60%। कितने परसेंट प्रॉफिट है? 60%, जो ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल Which is sold 630 rupees at a profit of 12.5%। हमें दिया गया सेलिंग प्राइस क्या है आर्टिकल का? 630, ठीक है, जिसपे परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ है? 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8। 1/8 क्या डिफाइन करता है? 1 यूनिट इज प्रॉफिट, 8 यूनिट इज कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो सेलिंग प्राइस इज 8+1 इज 9 यूनिट, और इस 9 यूनिट की वैल्यू 630। तो 630 किसकी वैल्यू? 9 यूनिट। और हमें क्या फाइंड करना है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना? 8 यूनिट। तो जो गिवन होता है उससे डिवाइड, और जो फाइंड करना होता है उससे मल्टीप्लाई। फाइंड क्या करना है? कॉस्ट प्राइस इज 8 यूनिट, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। इसे कहां से मल्टीप्लाई करेंगे? तो 9 से 630 कितनी टाइम? 70। 70 इंटू 8 इज 560। तो कॉस्ट प्राइस इज 560 रुपीज, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A shopkeeper sells his goods at 8/1/3% profit on selling price। एक शॉपकीपर है जो अपने आर्टिकल को, ठीक है, किस प्रॉफिट पे सेल करता है? तो परसेंटेज प्रॉफिट इज 8.33%, जिसकी फ्रैक्शन होती है 1/12। 1/12 क्या डिफाइन करती है? 1 यूनिट इज प्रॉफिट, ठीक है। बट ये जो प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है ये सेलिंग प्राइस पे, तो यानी डिनोमिनेटर किसको डिफाइन करेगा? जिसपे डिपेंडेंसी है। प्रॉफिट नॉर्मली अगर हम कहें तो कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड होता है, यहाँ पर पर्टिकुलर डिफाइन किया गया कि जो ये प्रॉफिट है ना ये सेलिंग प्राइस पे, तो 12 यूनिट इज सेलिंग प्राइस, ठीक है। 12 यूनिट इज सेलिंग प्राइस आपके पास, ठीक है। 1 यूनिट इज प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो कॉस्ट प्राइस इज 12-1 इज 11 यूनिट। तो हमें क्या बताना है? परसेंटेज प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट बताना है, और एक्चुअल प्रॉफिट जो होता है ना वो कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड होता है। प्रॉफिट तो भाई है 1 यूनिट, पर इसकी डिपेंडेंसी किस पे? कॉस्ट प्राइस पे करें तो कितने परसेंट प्रॉफिट है? 1/11 की फ्रैक्शन कितनी होती है? तो 1/11 इज 9, 1/11, ठीक है। 1/11 इज 9, 1/11, सॉरी यहाँ पे 1/11, ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, चीके? जिसे हम 9.09 कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए मैन सेल हिज गुड्स 25% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। एक पर्सन है जो अपने आर्टिकल को 25% लॉस सेलिंग प्राइस पे, तो लॉस की वैल्यू कितनी दी हमें? 25%, और 25% की फ्रैक्शन इज 1/4। 1/4 क्या डिफाइन करती है? 4 यूनिट हमेशा होना चाहिए कॉस्ट प्राइस पर। ये क्लियर बताया गया कि जो ये लॉस है ये किस पे डिपेंड है? सेलिंग प्राइस पे। तो 4 यूनिट यहाँ पर सेलिंग प्राइस, और 1 यूनिट आपका क्या है? लॉस, ठीक है। तो अगर 1 यूनिट लॉस है और उसके बाद सेलिंग प्राइस 4 यूनिट है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो कॉस्ट प्राइस इज आपके पास मैक्सिमम, इससे मोर होगा, तो 4+1 इज 5, ठीक है। अब हमें क्या बताना है? एक्चुअल लॉस बताना है। एक्चुअल लॉस जो होता है ना वो कॉस्ट प्राइस पे होता है। लॉस कितना है? 1 यूनिट, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस इज 5 यूनिट। 1/5 की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5 इज 20%, जो हमारा ऑप्शन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर सेलिंग 66 आर्टिकल ए मैन अर्न प्रॉफिट ऑफ 22 आर्टिकल। जब भी नंबर ऑफ आर्टिकल के रिस्पेक्ट में प्रॉफिट और लॉस की बात होती है, तो हमें एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल बाय करने और इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल ही सेल करने। हमें प्रॉफिट दिया है, नॉर्मली प्रॉफिट इक्विवेलेंट क्या होता है? तो नॉर्मली प्रॉफिट इक्विवेलेंट हमारे पास होता है एसपी, यानी सेलिंग प्राइस माइनस में से कॉस्ट। ये बात क्लियर है। अब देखिए, हमें प्रॉफिट अगर कितने आर्टिकल सेल किए गए? 66, तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस मैं एसपी मानती हूँ, तो 66 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 66 एसपी।
ठीक है, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इज सीपी, तो 66 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इज 66 सीपी। और जो प्रॉफिट है ना वो किसके इक्वलेंट है, 22 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस की। ठीक है, तो 22 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस होगा वो आपके पास कितना होगा, 22 एसपी। ये बात क्लियर है। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये वैल्यू इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू उधर जाएगी, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 66 सीपी। ठीक है, और ये डिडक्ट हो जाएगी तो 44 एसपी। सीपी अपॉन में एसपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीपी अपॉन में एसपी 44 अपॉन में 66। कॉस्ट प्राइस इज 44, सेलिंग प्राइस इज 66। ठीक है, तो प्रॉफिट इज 22, प्रॉफिट इज 22। हमें परसेंटेज प्रॉफिट बताना है, तो परसेंटेज प्रॉफिट इज प्रॉफिट, प्रॉफिट इज 22। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इज 44 इनटू में 22 से 44 टू टाइम। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 100 तो ये कितना आएगा, 50%। ठीक है, तो परसेंटेज प्रॉफिट इज 50% जो हमारा ऑप्शन है। बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन बॉट एन ओल्ड टाइपराइटर, ठीक है, फॉर 1200 रुपीज एंड स्पेंट 1200 रुपीज ऑन इट्स रिपेयर। He sold 1680 रुपीज, फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट। हम पहले टाइपराइटर की कॉस्ट की बात करें तो उसने 1200 रुपीज में परचेज किया था और 200 रुपीज उसकी रिपेयरिंग में थी, तो फाइनल उसको जो कॉस्ट बनेगी ना वो इसकी 40 है। और जब उसने सेल किया ना इस टाइपराइटर को तो कितने में किया, 1680। तो प्रॉफिट जो हो रहा है ना, तो प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट इज 280 रुपीज। प्रॉफिट कितना है, 280 रुपीज। हमें क्या बताना है, परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट बताना है। तो प्रॉफिट इज 280, कॉस्ट प्राइस इज 1400 इनटू परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे। 00 से 00 कैंसिल, 14 से इसे कैंसिल आउट करेंगे, 20% प्रॉफिट जो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 480, ए पर्सन लॉस्ट 20%। जब एक आर्टिकल को 480 रुपीज में परचेज किया जाता है तो 20% का लॉस उसे किस प्राइस में सेल किया जाए। देखिए 480 अगर हम यहाँ पर 100% की वैल्यू यूज की जाते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑलवेज क्या होता है, 100%। ठीक है, 20% लॉस पे सेल किया जाए, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो सेलिंग प्राइस इसका कितना होगा, 100 माइनस 20 इसकी। और इस 80 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपके पास, 480 की बन, और जो फाइंड करना होता है उससे मल्टीप्लाई। अब हमें न्यू सेलिंग प्राइस फाइंड करना है जिसपे प्रॉफिट हो 20%। अगर कॉस्ट प्राइस इज 100, 20% का प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट इज 20%, तो सेलिंग प्राइस इस कंडीशन पे कितना हो जाएगा, 1। तो मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 1। तो इसे सिंपलीफाई करना, ठीक है, आपके पास 0 से 0 कैंसिल, 8 से इसे 6 टाइम और 120 इनटू 6 इज 720। ठीक है, कितना आ जाएगा, इसका न्यू सेलिंग प्राइस कितना होगा, 720 पे हमारा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द 30 बुक्स। तो एक बुक्स का मुझे कॉस्ट प्राइस पता है, तो हम मान लेते हैं कि एक बुक का कॉस्ट प्राइस इज सी, 36 बुक्स का कितना हो जाएगा, 36। एक सिंगल बुक का हमारे पास सेलिंग प्राइस पता नहीं, हम इसे अज्यूम कर लेते हैं एस, तो 30 बुक्स का कितना हो जाएगा, 30। हमें कंडीशन दी है कि 36 बुक्स का कॉस्ट प्राइस और 30 बुक्स का सेलिंग प्राइस, यहाँ से हमारे पास कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस रेशियो कितना आएगा, 30। कॉस्ट प्राइस इज 30 डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस इज 36, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट इज 6। प्रॉफिट इज 6 यूनिट या 6 रुपीज, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, यूनिट ही होगा, रुपीज को समझने के लिए बोला जाता है। ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड, प्रॉफिट इज 6, कॉस्ट प्राइस इज 30, ठीक है, इनटू में 30, तो कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। 8 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, तो 8 सीपी किसके इक्वलेंट है, 9 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस, तो 9 एसपी। तो यहां से सीपी अपॉन में एसपी कितना आ जाएगा, 9 अपॉन, कॉस्ट प्राइस कितना, 9, सेलिंग प्राइस कितना, 8। तो क्या हो रहा है इस कंडीशन पे, लॉस, और कितना, 1। इसे परसेंटेज लॉस बताना है, ठीक है, तो लॉस कितना होगा, 1 यूनिट का, ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना, 9 यूनिट, कितने परसेंट लॉस है, 11, 1/9% का लॉस है जो हमारा ऑप्शन है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल at a loss of 10% if he sold it
75 rupees more, then he earned profit of 15%. एक आर्टिकल है जिसका कॉस्ट प्राइस हम क्या लेते हैं हमेशा ऑलमोस्ट उसे फर्स्ट टाइम जब सेल किया जा रहा है ठीक है तो 10% के लॉस के साथ तो 100 का 10% इज 10 कितना 90 यूनिट्स। अब सेकेंड टाइम जब इसे सेल किया जा रहा है प्रॉफिट में सेल किया जा रहा है कितनी प्रॉफिट में 15% कॉस्ट प्राइस इज 100 15 इज प्रॉफिट तो सेलिंग प्राइस सेकेंड कंडीशन पे कितना हो जाएगा पहले के कंपैरिजन में अगर मैं सेलिंग प्राइस का डिफरेंस देखूं तो कितना है डिफरेंस इज 25 पहले के कंपैरिजन कितने मूव में सेल किया जा रहा 25 में 25 यूनिट इज इक्वलेंट टू 75 तो 1 यूनिट इज इक्वलेंट टू 3 रुपीस कॉस्ट प्राइस कितना है 100 ठीक है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300 और हमसे यही पूछा गया था कॉस्ट प्राइस तो कॉस्ट प्राइस इज 300 रुपीस ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल 20% प्रॉफिट बट यूजेस वेट ऑफ 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg फाइंड द रियल प्रॉफिट जब भी हमें वेट के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन दिया जाए तो हमें क्या करना चाहिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में क्या करना चाहिए रेशियो मेंटेन करना चाहिए इसके अकॉर्डिंग टू प्राइस एंड अकॉर्डिंग टू अब हम प्राइस की बात करते हैं कॉस्ट प्राइस हमेशा आर्टिकल का कितना होता है 100 यूनिट और उस आर्टिकल को शॉपकीपर ने 20% प्रॉफिट पे सेल किया तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा 100 प्लस 20 इज 120 अकॉर्डिंग टू प्राइस तो क्या है रेशियो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में 100:120 मिनिमाइज कर सकते हैं। अब वेट की बात करते हैं कितना वेट यूज किया जा रहा है 900 का इंस्टेड ऑफ 1 kg जहां 1 kg वेट देना चाहिए वहां 900 तो पॉइंट समझना जितना वेट यूज किया जा रहा है शॉपकीपर से कॉस्ट भी तो वो उसकी इतनी बियर कर रहा है तो कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में कौन सा वेट आता है जितना वेट यूज किया जाता है 900 ग्राम वेट यूज किया जा रहा है तो कॉस्ट उसकी भी है और यही अगर मैं कहूँ सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में सेलिंग प्राइस कितने का मिल रहा है 1 kg यानी 1000 बस तो ये हमने क्या है प्राइस के अकॉर्डिंग और वेट के अकॉर्डिंग रेशियो मेंटेन कर लिया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे ये आपके पास 40 से 40 कैंसिल आउट तो रेशियो इज 9:12 आप उसको मिनिमाइज भी कर सकते हो 3:0 कॉस्ट प्राइस इज 3 यूनिट सेलिंग प्राइस इज डायरेक्टली रिलेट कीजिए 4 यूनिट ठीक है तो प्रॉफिट इज 1 यूनिट परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड करना है तो प्रॉफिट इज 1 यूनिट कॉस्ट प्राइस इज 3 इनटू में परसेंटेज प्रॉफिट कितना है 33.3 क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सेल एन आर्टिकल बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 30% एंड बी सेल टू सी एट ए लॉस ऑफ 20% एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ सी इज 520 देखिए मैं क्या मानती हूँ ए के लिए इसका आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना एक्स और ए ने उसे बी को 30% प्रॉफिट पे सेल किया तो बी के लिए उसका कॉस्ट और ए के लिए उसका सेलिंग क्या हो जाएगा कॉस्ट का 130% ठीक है तो हम इसका क्या फाइंड कर लेंगे 130 अब ये जो प्राइस है ये बी के लिए तो क्या है बी के लिए ये कॉस्ट प्राइस ठीक है और ए के लिए यही अगर मैं बात करूं ए के लिए सेलिंग प्राइस ठीक है अब ए के लिए तो हमें मतलब नहीं है ना बी ने आगे सी को सेल किया है ठीक है 20% लॉस अब अपने आप में एक 100% वैल्यू होगी 20% का लॉस है तो मैं इसका क्या फाइंड करूंगी 80% वो क्या होगा बी के लिए तो सेलिंग प्राइस होगा पर सी के लिए क्या होगा कॉस्ट प्राइस और सी का कॉस्ट प्राइस कितना है इस आर्टिकल का 520 बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे ये आपके 20 से 20 कैंसिल आउट ठीक है 13 से इसे कैंसिल आउट तो ये 40 8 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 और 5 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 ठीक है कितना आ जाएगा 500 तो x की वैल्यू इज 500 तो यानी इनिशियल इसका कॉस्ट प्राइस कितना था 5 चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं The MRP of the article is 200 and the discount is 12.5% and on MRP and a profit is 25%. Find the cost price. किसी भी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हमारे लिए क्या होता है 100 ठीक है इस पे 25% का प्रॉफिट ही दिया जा रहा है आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 100 ठीक है और MRP अगर हम माने तो वो MRP हम कुछ भी X मान ले तो MRP पे से 12.55 का डिस्काउंट दे तो हम सेलिंग प्राइस के इक्वल रख दे तो एक तो कॉन्सेप्ट ये बनता है बट सेकंड कॉन्सेप्ट देखिए क्या है MRP कितनी है तो MRP इज 200 और इस पे डिस्काउंट कितना है 12.5 डिस्काउंट की वैल्यू इज 12.5 जिसकी फ्रिक्शन होती है 1/8 क्या डिफाइन करते हैं 8 यूनिट इज MRP 1 यूनिट इज डिस्काउंट तो सेलिंग प्राइस कितना
7/8. तो ये मेरे पास क्या आ गया, एमआरपी में मैंने डिस्काउंट इंप्लीमेंट कर दिया तो सही प्राइस। ठीक है, अब इस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस मेरे पास कुछ नहीं है, मैं एक्स मान लू और 25% का प्रॉफिट है तो मैं इसका क्या फाइंड करूंगी, 125%। तो ये भी मेरे पास आर्टिकल का क्या होगा, सेलिंग प्राइस। दोनों एक ही आर्टिकल के सेलिंग प्राइस है तो मैं इक्वल रख सकती हूँ, बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आएगा 5/4, 4 से ये वैल्यू कैंसिल आउट 2। ठीक है, 2 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 100 और 100 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 100 से 5 को तो ये 20, 20 इंटू 7 इज 140। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 140, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाय 20 आर्टिकल एंड गेट 5 आर्टिकल फ्री। ठीक है, कितने आर्टिकल फ्री दिए गए हैं, 5। ठीक है, और बाय कितने की है, 20, तो कॉस्ट कितने की बियर की जा रही है, 20 की या 25 की। तो एमआरपी अगर हम देखिए तो एमआरपी हम कितने की पे कर रहे हैं, 20 की। ठीक है, इनटू में 100, कितने परसेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है, 1/4 इज 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस शॉपकीपर चीज 20% एट द टाइम ऑफ परचेजिंग एंड 20% एट द टाइम ऑफ वही एंड सेल इट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, फाइंड द टोटल प्रॉफिट। देखिए हमें क्या दिया गया है, एक शॉपकीपर है जो परचेजिंग के टाइम पे 20% क्या करता है, चीट करता है एंड सेल इट इट 20% प्रॉफिट। देखिए वही कॉन्सेप्ट है अभी जो हमने वेट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ठीक है, हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में क्या करेंगे, रेशियो। कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 यूनिट, तो सेलिंग प्राइस इज 1। ठीक है, 20% चीट कर रहा है एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, पर पॉइंट समझना, परचेजिंग के टाइम पे चीटिंग की जा रही है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर वो परचेजिंग के टाइम पे चीटिंग कर रहा है तो वहां पर वो मोर वेट परचेज करेगा या लेस, मोर। अगर आप कोई शॉपकीपर है और परचेज करने गए हैं तो वहां आप लेस वेट करके तो अपने आप को लॉस दे रहे हैं, तो वहां पर 20% यानी आप 1200 ग्राम वेट पर, कॉस्ट कितने की बियर करेंगे, तो कॉस्ट तो 1000 ग्राम की बियर, बट आपको जब उसे सेल करेंगे उसी वैल्यू को 1200 ग्राम को, तो आपको उसको 1200 रुपीज देंगे। बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे और रेशो मेंटेन करेंगे। ठीक है, अब आपके पास ये 30 से 30 कैंसिल आउट। ठीक है, तो ये कितना आया, 100 अपॉन में 140। कॉस्ट प्राइस इज 100, ठीक है, सेलिंग प्राइस इज 144, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 44। ठीक है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 44 अपॉन में 100 कॉस्ट प्राइस, कितने परसेंट, 44%। जो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें से नन ऑफ दीज आएगा, क्योंकि 44.44% है 44 में। ठीक है, 44%। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।